बाजिए कई बिल्कुल खाली होते हैं वो नहीं जपना चाहते हम कह दें भाई आधा घंटा जपना ही पड़ेगा घंटा जपने पड़े उनको आफत आ जाती आधा घंटा भगवान को देना पड़ेगा कोई काम नहीं होता इसके अलावा जब जिंदगी राम नाम के लिए लगा दी तो जपो जाप करो राम का नाम पर ना जी उनको भी बड़ी मुश्किलें आती हैं तो कहने का मतलब ये का प्रभाव है ऐसा भयानक समय आया है आदमी घंटा सुबह शाम मालिक का नाम जपना ऐसा समझता है जैसे कोई बोझ उठाना साई मस्ताना जी महाराज के समय की आपको एक बात सुनाते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर था मजदूरी कर रहा था मस्ताना जी महाराज कहने लगे भाई क्या पैसे लेता है कहता जी एक रुपया लेता हूं सारे दिन का क्या उठाता है गोबर उठाता है गंदगी उठाता हूं जी सारी सारा दिन फावड़ा चलाता हूं मस्ताना जी कहने लगे भरी तुझे दो रुपया दें तो लेगा कहता काम काम कहते बस कपड़े अच्छे पहन के नहा धोके बैठना है कहने लगा मजा आ गया ये बाबा तो बड़ा फंसा बैठने के दो रुपए दे रहा है मैं तो गंदगी उठा रहा था कहता ठीक है बाबा नहाया अच्छी धोती पहन ली कुर्ता पहन लिया आजा भाई बैठ जा बैठ गया ये ले राम का नाम ले लिया इसका जाप करना है कहता हाँ जी अब घंटा आधा घंटा जाप किया जम्बाई आने लग गई घंटा जाप किया खाज खुजली होनी शुरू होगी चारों तरफ थोड़ी देर के बाद वो हाथ जोड़ के बाबा जी के सामने आ गया कहता हे बाबा ये ले तेरे दो रुपए मैं जाप आज करूं ना कल मुझे तो गंदगी उठाना मंजूर है पर राम का नाम सारा दिन नहीं जपूंगा है ना सच भाई आज देख लो आप जो दिहाड़ी लेता है हम दे देते हैं बैठ जाओ सुमन पे सारा दिन करना उससे भला आपका ही होना है लेकिन आप नहीं करोगे हमें पता है या तो खुराटा सुमरण शुरू थोड़ा इधर उधर टेक लगाई और नींद या फिर आपको पता है वो वो काम धंधे याद आते हैं जो पहले कभी याद आए ही ना हो तो इसका कारण है मन माया काम वासना क्रोध लो मो अहंकार ये सात हैं साथों के चक्रव्यूह में आदमी फंसा हुआ है और इससे निकलने के लिए सुमरन के अलावा और कोई ताकत नहीं है सुमरण तो करना पड़ेगा चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा 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 सुमरण करते रहो तो आप इनसे निजात हासिल कर सकते हैं राम नाम की धुन में ऐसी शक्ति है कि अगर राम नाम आदमी जाप करता है अल्लाह गुरु गौड खुदा की इबादत करता है तो वहां शैतान महाशैतान काल महाकाल नहीं ठहरता उसका बाढ़ बांका नहीं होता जो मालिक के नाम से जुड़ा होता है इसलिए मालिक के नाम से जुड़नो उसका जाप करो खुशियां मिलेंगी आप जाप तो करते नहीं एक कंजूस की बात सुनाते तीन कंजूस बैठे थे चर्चा चली उनके पास देसी घी दो दो किलो के डिब्बे थे कहने लगा भाई एक कहने लगा मेरा तो अभी पौने दो किलो बाकी है छह महीने हो गए कहते कैसे कैसे खाता है तुम कहता है, मैं रोटी पे सुई के जो नक्का होता उधर से उठाता हूं और वो लगाता हूं सुबह शाम तीन टाइम इसलिए घी इतना बचा हुआ है दूसरा हंसने लगा कहता बस मेरा तो लगा ही सौ ग्राम है सारा घी दो किलो का दो किलो भी पड़ा है बस सौ ग्राम लगा है। तू कैसे लगाता है कहता है, तू सुई के नक्के से लगाता मैं नोक से लगाता हूं इसलिए इतना ही लगा तीसरा बहुत हंसा जोर जोर से वो कह लगे तू क्यों हंस रहा है कह लगा मेरा छह महीने में दो किलो का दो किलो ही पड़ा है कहते ये कैसे कहता मैं पता है रोटी बना लेता हूं दो किलो का डिब्बा इधर उठाता हूं रोटी को घी दिखा देता हूं और खा लेता हूं तो आप में भी राम नाम वाले ऐसे ही हैं। कोई तो सुई के नक्के जितना ही जाप करता है कोई नोक जितना और कोई राम नाम ले रखा दिखा के काम चला लेता है बताओ फायदा कहां से होगा भाई फिर कहेंगे गुरु जी झूठ बोलते गुरु जी तो सच बोलते हैं जाप आप नहीं करते गुरु बेचारा क्या करे जा सिखण में चूक गुरु पीर फकीर तो सच कहते हैं पर मानने वाला ही कोई ना माने तो गुरु क्या करे इसलिए भाई राम नाम का जाप करोगे तो माला माल हो गए हम फकीर का काम तो टीचर की तरह पढ़ाना और बताना है आगे मानना तो आप लोगों के हाथ में है जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी भाई अगर करते नहीं तो कर्म कैसे कटेंगे भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे फिर कहते राम नाम वाले को दुख क्यों आया क्योंकि तूने राम नाम नहीं जपा भक्ति नहीं की इसलिए तेरे कर्म नहीं कटे भाई दूसरों से कम आएगा ये सच है जिसने राम नाम से जुड़ गया फकीर की निगाह में आके राम नाम में बैठ गया उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा लेकिन सुमण करने से पहाड़ से कंकर बन जाता है सूढ़ी से सूढ़ में बदल जाता है